सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी पाकिस्तान नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। पाकिस्तान में कुल 270 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने 116 सीटें जीती है। इमरान खान ने खुद 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी में उन्होंने जीत दर्ज की है, लेकिन फिर भी सरकार बनाने के लिए जादुई नंबर 137 से उनकी पार्टी 21 सीटें पीछे रह गई है। अब इमरान खान की पार्टी को सरकार बनाने के लिए गठबंधन की जरूरत होगी। खबरों की माने तो इमरान खान ने विभिन्न पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की सत्ता इमरान खान के लिए कांटों भरा ताज साबित होने जा रहा है। कम से कम पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है। पाकिस्तान के सामने असंख्य आर्थिक चुनौतियां खड़ी हैं। गौरतलब है कि दिसंबर 2017 से लेकर इस साल मध्य जुलाई 2018 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 4 बार विमुद्रीकरण करके पाकिस्तानी रुपए की डॉलर के मुकाबले कीमत 21% गिरा दी गई है, जिससे निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे में क्या पाकिस्तान मॉडल चीन की मदद लेगा या फिर इमरान खान की सरकार में पाकिस्तान भारत की तरफ हाथ बढ़ाएगा? इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई के प्रमुख इमरान खान को पाकिस्तान के आम चुनाव में जीत की बधाई दी है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।